अस्सलाम वालेकुम। फैसल रेजिडेंसिया चौधरी साहब आए हुए, ये हम फैसल रेजिडेंसिया में कर रहे हैं। ये सारी ज़मीन चौधरी साहब ने फैसल रेजिडेंसिया की है। ये फैसल रेजिडेंसिया का गेट, ये देखें, ये मैं आपको फैसल रेजिडेंसिया का गेट बता रहा हूँ। आज हम फैसल रेजिडेंसिया आए, कोशिश करेंगे चौधरी साहब से 2-3 मिनट की बात करें और कुछ इंफॉर्मेशन उनसे निकालते हैं। आज ये गेट बता रहा हूँ फैसल रेजिडेंसिया का, और ये साथ में टंकी भी बनी हुई है। ये मैं आपको तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर से आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि फैसल रेजिडेंसिया पे भी काम हो रहा है। ये सारा रकबा हमारे पास है जितना मैं आप लोगों को जूम करके बता रहा हूँ। ये चारों तरफ ये भी रकबा हमारे पास है और ये वाला भी है। ये बाग है चौधरी साहब का, एक छोटा सा ऑफिस है यहाँ पे, ये देखते हैं। आज आए हुए कोशिश करते हैं कि अपने मेंबर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकालें। ओके, ये चौधरी साहब आ गए और आज चौधरी साहब का विजिट है फैसल रेजिडेंसिया का। और चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आप बच्चे उधर जाओ ना सारे। हाँ वो गेट मैं अभी देख रहा था यहाँ से, माशाल्लाह। हाँ, ये चौधरी साहब आपसे बात करनी है अगर आप विलिंग है। हैं, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, सबसे पहले मुबारक हो आपको कि आपने यहाँ पे एक ज़मीन आयर की है। मैं होगा लेकिन आपने की है मुझे पता चला है। आज आप फैसल रेजिडेंसी आए हैं, बहुत अरसे के बाद आए हैं और एक 8 से 7:30 बजे आप पहुँचे हैं और यहाँ का विज़िट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप के दिमाग में होंगी, अगर आप बताना चाहें हमारे व्यूअर, हमारे मेंबर को, तो आज आप बता सकते हैं चौधरी साहब। जवेद मसूद साहब, आपको बता, आज मैं सुबह सुबह फैसल रेजिडेंशिया सेक्टर E17 इस्लामाबाद पहुँचा हूँ सुबह सुबह, और आकर मैंने पूरी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, आबादियों का हसूल और कब्ज़ों का हसूल और ज़मीनों का असूल, उसको अपनी पूरी टीमें बुलाई हुई थी, सर्वे वाले, लैंड वाले और साइट के इंचार्ज, सब से एक मैंने मीटिंग की है। और जो CDA के रेफरेंस से अगर कोई पॉइंट है तो वो भी हमने डिस्कस किए हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई बॉटल नेक्स हैं तो उसको 3 से 4 माह के अंदर अंदर दूर किया जाए। और मैं इस स्कीम के ऊपर इंशाल्लाह ताला हर 4 हफ्ते के बाद एक चक्कर लगाऊंगा, और इस स्कीम को हम इंशाल्लाह ताला स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। और आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि ये कितनी खूबसूरत स्कीम है, जिस तरह इस्लामाबाद का कोई सेक्टर E7 होता है या F8 होता है, जो उस तरह का माशाल्लाह इसकी लैंडस्केपिंग है। मरगला के ये भी 7 है, 7 पहाड़ हैं, हिली एरिया है, तो ये बहुत खूबसूरत है। इसकी 2-3 तरफ से एक्सेस भी है, तो ये खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला इसको बनाएंगे भी उतना ही खूबसूरत, तो आप बड़ी जल्द देखेंगे कि इसके रिलेटेड बड़ी 2-3 माह के बाद आपको बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह ताला मिलेगी। चौधरी साहब, क्योंकि आप बहुत अरसे बाद भी यहाँ आए हैं, फैसल रेजिडेंसिया के हमारे मेंबरों का बड़ा हौसला भी है और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं लोग, आप पे बहुत ट्रस्ट भी करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब तक चौधरी साहब खुद हार नहीं मान जाएंगे हमने हार नहीं मानना है। आप हमारे जिन ये मेम्बर हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है हर हाल में, उनके लिए क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा जो हमारी शान है वो हमारा इन्वेस्टर है, हमारा मेंबर है, हमारा क्लाइंट है, हमने उसके मफाद का हमेशा ख्याल रखा है, ठीक है। इसीलिए माशाल्लाह आज दिन तक जितने भी हमने स्कीमें बनाई हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, अटक में या जहाँ जहाँ भी हमने काम किया है, सब लोग हमसे माशाल्लाह कमा के गए हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारी नीयत भी सही रही है और काम करने का और डिलीवरेंस का ऊपर हमारा इंशाल्लाह ताला एतमाद है,
तो मैं बड़ी जल्द इंशाल्लाह ताला 4 से 6 हफ्ते के बाद अगला चक्कर भी लगा रहा हूँ और उसमें अपने REC दोस्तों को भी, इन्वेस्टरों को भी साथ लेकर आ रहा हूँ और इधर हम एक फंक्शन भी करेंगे और उसमें मैं बड़ी खुशखबरियाँ भी इंशाल्लाह यानी फैसल और उसकी मैं तैयारियाँ करने के लिए आ जाया आ जाए यानी फैसल रेजिडेंसिया में 4 से 6 हफ्ते के बाद REC का एक फंक्शन भी करेंगे उसमें खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, मैं अभी देख रहा था, वो सामने नज़र भी आ रहा है, बहुत प्यारा गेट बनाया हुआ है आपने और एक टंकी भी बनी हुई है आपने। मेरे ख्याल में यहाँ पर स्लोली स्लोली और हिडन तरीके से